हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार। दोस्तों, कल से आज तक हमने कुछ स्नेक रेस्क्यू किए हैं और हम उसे लेकर नेचर में फॉरेस्ट में आ गए हैं रिलीज करने के लिए। तो बने रहिए दोस्तों, यहां एक एक करके सभी स्नेक को रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये हमारे पास एक यूनिक स्नेक है जिसे हम लोगों ने कल रेस्क्यू किया है सुबह सुबह टिकिया पाड़ा से। आइए नज़दीक आइए। और हालांकि इस सांप की पहचान अभी तक कुछ हो खास नहीं हो पाई है, तो लेकिन हमें यह ट्री स्नेक ही लग रहा है, पेड़ों वाला सांप। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी खूबसूरत सांप है। और ये हालांकि हमें जहरीला नहीं लग रहा है, हालांकि इस सांप के बारे में हमें कहीं डिटेल नहीं मिल सकी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले इसे रिलीज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, काफी सुंदर सांप है, बहुत ही खूबसूरत सांप है। तो हम चाहेंगे ये जंगलों की ओर चला जाए, और हमें ये पेड़ों वाला सांप ही लग रहा है। ये आप देख सकते हैं साथियों, काफी खूबसूरत सांप है और बहुत शांत भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे रिलीज करते हैं, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है कि यह पेड़ों पे आसानी से चढ़ सकता है। तो चलिए इसे हम जाने देते हैं। आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे झाड़ियों की ओर जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं, ये अटैकिंग पोजीशन है इसका। और सांप जिस भी चीज को हिलता हुआ देखते हैं तो उसे खतरा महसूस करते हैं, और ये सांप अक्सर जो है पेड़ों वाला सांप ऐसे ही मूवमेंट दिखाता है आपको जब हमला करना हो। ये आप देख सकते हैं, ये अपना अटैकिंग पोजीशन बना चुका है। सामने से आके लीजिए इसका। ये एक तरह से इसकी बाइट की मुद्रा है, जब यह चेतावनी देता है तो ये इस तरह से एस का पोजीशन बना लेता है और बाइट करता है। हालांकि इसे अभी कुछ खास खतरा नहीं लगा, तो ये वापस जा रहा है। तो चलिए इसे हम लोग जाने देते हैं। आप देख सकते हैं कि यह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर, पेड़ों की ओर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके सर के ऊपर जो है भी कलर भी बना हुआ है, पैटर्न भी बना हुआ है, और बहुत सुंदर लग रहा है यह सांप देखने में। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्नेक रिलीज करते हैं। कॉमन करेट का, और कल हमने नवागढ़ी से ये तीन करैत स्नेक को रेस्क्यू किया है। ये तीन करैत सांप हैं जो पानी में काफी 10-12 दिनों से गिरे हुए थे, और जिनके कारण ये काफी सुस्त हो गए हैं। तो हम इन्हें ला चुके हैं फॉरेस्ट में रिलीज करने। तो चलिए इसे भी हम लोग रिलीज करते हैं। आइए, स्टिक ले आइए। आप देख सकते हैं ये करैत सांप है, बिग करैत, और निकलते ही के साथ ही ये काफी तेज मूवमेंट करके एक तो चला गया और दो अभी बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे ये भी धीरे धीरे चले जाएं। हालांकि डब्बे में ये काफी सुस्त लग रहे थे, लेकिन एक्टिव हैं और तीनों सांप सही सलामत हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ी देर बैठा हुआ है, जाना नहीं चाह रहा है, या हो सकता है ये कुछ ज्यादा पहले गिरा हो पानी में जिसके कारण ये थोड़ा ज्यादा सुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए इसे हम रिलीज करते हैं और जाने देते हैं। हालांकि दिन के समय ये सांप ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, चूंकि ये रात में निकलने वाले स्नेक हैं। तो ये भी चला गया झाड़ियों की ओर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट स्नेक जो कि है दोस्तों रसल वाइपर, जिसे हम लोगों ने परसों शाम में रेस्क्यू किया सदर हॉस्पिटल मुंगेर से। तो इसे हम लोग उधर छोड़ेंगे थोड़ी दूर।
स्टिक ले आइएगा, स्टिक। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हाईली वेनमस रसल्स वाइपर है। और चलिए हम इसे यहाँ रिलीज करते हैं। ये देख सकते हैं आप, काफी एक्टिव है। और ये देखिए झाड़ियों की ओर तेजी से जाता हुआ, जैसा आप झाड़ियों में लापता हो गया। और चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगले स्नेक को रिलीज करते हैं, जो कि रसल्स वाइपर ही है। और ये मेल फीमेल है, जिसे हम लोगों ने कल मुंगेर कारावास से, जेल से रेस्क्यू किया था। तो चलिए हम लोग इसे भी वहीं इधर ही रिलीज करते हैं। आइए, यह शायद फीमेल है जो कि थोड़ी शांत है, और ये मेल है जो कि काफी उग्र था कल, जल्दी से डब्बे में नहीं आ रहा था। तो चलिए हम दोनों को रिलीज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेल है, ये थोड़ा डार्क कलर का है। निकलना नहीं चाह रहा है। आप देख सकते हैं ये दोनों जो है पेयर है, रसल्स वाइपर पेयर। और हमने दोनों को साथ में रिलीज करना है, क्योंकि ये दोनों को हम लोगों ने साथ ही रेस्क्यू किया है। तो आप देख सकते हैं, ये रसल स्वाइपर भी झाड़ियों की ओर चला गया, और हम भी यही चाहेंगे कि अगला वाला भी, ये भी उधर ही चला जाए, और ये भी उधर ही चला गया। आइए फ्रेंड्स, अब अपना अगला स्नेक जो कि है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, बेबी कोबरा है, इसे हम लोग रिलीज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा कोबरा है, ये छोटा कोबरा स्नेक है, काफी तेजी से यह झाड़ियों में चला गया। बारी हमारे नेक्स्ट कोबरा की है। तो हमारे पास दोस्तों चार कोबरा स्नेक थे, एक छोटा था और तीन बड़े। तो चलिए इन सबको भी हम यहाँ रिलीज करते हैं। आइए, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला इसे हम लोगों ने कल रात में रेस्क्यू किया है, और अंधेरा होने के कारण हम लोग इसकी वीडियो नहीं बना सके, रेस्क्यू वीडियो, लेकिन हम इसे रिलीज कर रहे हैं। चलिए एक एक करके हम इन सबको रिलीज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ा वाला कोबरा, बिग साइज। काफी बिग साइज है दोस्तों, काफी बिग साइज बड़ा कोबरा है। आप सुन सकते हैं इसकी पुकार, गुस्से में ये कैसे पुकार रहा है, और बड़ा साइज है। चलिए हम अगला कोबरा को भी निकालते हैं। ये एक और स्पेक्टिकल कोबरा है, ये दो कोबरा स्नेक। ये भी काफी उग्र है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसे हम लोगों ने कल सुबह कुएं से रेस्क्यू किया था, फरीदपुर से। और ये भी काफी उग्र है। ये
यह जाने के लिए थोड़ा जल्दी में है, तो चलिए फ्रेंड्स जो जाना चाहते हैं उसे जाने देते हैं। और हाँ, आप देख सकते हैं चलिए वो चला गया। और अब हमें अपने अगले कोबरा को भी रिलीज करते हैं साथियों, जिसे हम लोगों ने रात में बिनवाड़ा से रेस्क्यू किया है। और इसका भी दुर्भाग्यवश वीडियो हम नहीं बना सके। और ये भी स्पेक्टिकल कोबरा है, ये भी काफी जल्दी से जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स वो लोग तो चले गए, और ये थोड़ा बड़ा है और ये अपनी कैचुली में है फ्रेंड्स अभी, इसीलिए इसे ठीक से ज्यादा दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ है, बैठ गया है। और आप इसकी साइज देख सकते हैं, ये काफी मोटा है, भारी भरकम है। और फ्रेंड्स ये एक ऐसा सांप होता है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, और काफी ये सांपों का जो जहर होता है वो हाई प्रोटीन होता है। और ऐसा सांप अगर काटता है तो आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है। अगर आप हॉस्पिटल टाइम से पहुंच जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है, और 24 घंटे में ही आप बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे ज़्यादा तंग नहीं करते हैं और इसे रिलीज कर देते हैं। चल भाई अब तू भी चला, चलो 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 आ जाओ, काफी भारी भरकम है। देख सकते हैं बहुत एक्टिव है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, तो हम चाहेंगे ये झाड़ियों की ओर चला जाए। चलिए चलिए चलिए, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अभी झाड़ियों में चला गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा स्नेक रेस्क्यू वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। तो आपको अगर आपको हमारे रेस्क्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे दोस्तों आने वाले समय में और भी सांपों की जान बचाई जा सके और लोगों को सांपों के बारे में जानकारी दी जा सके। मिलते हैं अगली बार फिर से और स्नेक के साथ, आपका अपना स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद। Let me see.